तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक्समैन के यूनिवर्स में, जहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्समैन की सारी मूवीज बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में और बहुत ही कम से कम टाइम में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 3600 BCE के अराउंड और हमें दिखाई जाती है नील वैली, यानी कि लगभग 5600 साल पहले जब पिरामिड बनाए जा रहे थे उस टाइम का एरा दिखाया जाता है। और उस टाइम पर कुछ लोग थे जो पिरामिड बना रहे थे और वो लोग कुछ रिचुअल कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक रस्म के लिए एक व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं और उस व्यक्ति के चारों ओर चार योद्धा हैं उसकी रक्षा के लिए। और हमें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं चारों योद्धा और फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एन सवा नूर, जो कि पहला म्यूटेंट है जो सबको पावर्स देता है। और हमें दिखाया जाता है एक और म्यूटेंट जो वहीं पर लेटाया होता है पिरामिड के अंदर, जिसकी बॉडी हील हो सकती है। तो यहाँ पर एन सवा नूर चाहता है कि मैं इसकी बॉडी ले लूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी पावर्स हैं बट मैं बूढ़ा होता हूँ। तो वो उसकी बॉडी लेने के लिए उसको अपने बगल में लेटाता है, उसके बगल में खुद लेटता है और पिरामिड के ऊपर एक गोल्ड का छोटा पिरामिड रखा होता है जिसपे सूरज की रोशनी पड़ती है और उसके अंदर से एनर्जी निकलकर पिरामिड के अंदर आती है। और पिरामिड के अंदर जहाँ पे इन दोनों की बॉडी रखी है वहाँ पर गोल्ड होता है, गोल्ड जो है पिघल जाता है और उसकी एनर्जी इन दोनों की सीट में जाती है। और इस प्रतिक्रिया से एन सवा नूर की जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी बॉडी में जाने लग जाती है। और वहीं हमें दिखाई जाते हैं दूसरी ओर कुछ लोग इसके गंदे इरादे जानते हैं तो वो लोग एक युद्ध छेड़ देते हैं एन सवा नूर के खिलाफ और चारों ओर से हमले शुरू हो जाते हैं और ये चार रक्षक उनसे एन सवा नूर को बचाते हैं। और इसी चक्कर में पूरा का पूरा पिरामिड तबाह होने लगता है, हर तरफ तबाही मचने लग जाती है, पूरा पिरामिड ढह जाता है, तीन रक्षक मारे जाते हैं और एक रक्षक एन सवा नूर को बचाते बचाते अपनी सारी एनर्जी एन सवा नूर में डाल देती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। और एन सवा नूर बेहोशी के हालत में ही उस पिरामिड के नीचे ही दब जाता है। और फिर उसके बाद ये फिल्म शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक फेज कि पिरामिड के बाद कितने सारे पैगंबर्स आए, कितने सारे धर्मों का निर्माण हुआ और लोग अलग अलग फिलोसफीज लेकर धर्मों में बट गए। उसके बाद लोगों ने अपनी सरहदें बना ली, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और आज सारे के सारे देश अपनी अपनी सरहदें बांटकर बैठे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1973 का सीन जो कि पिछली फिल्म में हुआ था। उस न्यूज को स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है और ये टीचर पढ़ाती है, कहती है ये मैग्नीटो है, 10 साल पहले इसने हमारे देश पर हमला किया और कुछ म्यूटेंट्स ने मिलकर उसे हरा दिया और मिस्टिक ने एक हीरो बनते हुए सबको बचाया। और वहीं पर हमें दिखाया था स्कॉट, स्कॉट को कुछ प्रॉब्लम होती है और वो टॉयलेट में आता है और उसकी आंखों से लेजर निकलती है और वो हर तरफ चीजें तबाह कर देता है। उसके बाद हमें बर्लिन का सीन दिखाया जाता है, बर्लिन में रिवन दिखाई जाती है, रिवन यानी मिस्टिक, वो आती है एक फाइट क्लब में और फाइट क्लब में एंजल कर्ट से लड़ाई कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पर म्यूटेंट को म्यूटेंट से लड़ाया जाता है उनकी मर्जी के खिलाफ। और रिवन उनकी फैसिलिटी में पहुंचकर एक बंदे को पेल के वहां की बिजली काट देती है जिसकी वजह से वहां पर ब्लास्ट होता है, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और रिवन कर्ट को लेकर यहां से भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है पोलैंड का सीन जहां पर मैग्नीटो एक अच्छा इंसान बन गया है, वो एक मजदूर बनकर एक फैक्ट्री में काम करता है और शाम को छुट्टी करके अपने घर पर आता है जहां पर उसकी एक बीवी है, उसकी एक प्यारी सी बच्ची है और वो अपनी बेटी को कहानी सुनाता है, एक छोटी सी लोरी, और वो कहता है कि ये लोरी मेरे दादाजी ने मेरी माँ को सुनाई, मेरी माँ ने मुझे सुनाई और मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। बचपन में मेरी माँ को मेरे सामने ही छीन लिया गया, मेरे पिता को मार दिया गया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद एक्सेवियर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स स्कॉट को लेकर आया है क्योंकि स्कॉट उसका भाई है। स्कॉट जेन से टकराता है और जेन स्कॉट से थोड़ी सी बातें करती है और इन दोनों की थोड़ी सी तू-तू मैं-मैं होती है। उसके बाद हंक इन दोनों को लेकर आता है चार्ल्स के पास और चार्ल्स कहता है कि दिखाओ तुम्हारी आंखों में क्या है और वो दिखाता है कि इसकी आंखों से लेजर निकलती है जो एक पेड़ को तबाह कर देती है। और उधर में दूसरी ओर दिखाया जाता है नील वैली जो कि आज के युग में कायरो के नाम से जानी जाती है, जो इजिप्ट में है। वहां पर कुछ लोग एन सवा नूर को पूछते हैं, वो एक तरफ जाते हैं, उनका पीछा करते करते मायरा जो कि CIA एजेंट है उनका पीछा करते हुए उनके जगह में आती है जो जमीन के नीचे है और वो अंदर घुसकर सब कुछ देखने लगती है और वो देखती है गोल्ड का पिरामिड जिसके ऊपर अजीबोगरीब साइन बने होते हैं और उसी को लोग पूज रहे होते हैं। और वहीं हमें दिखाया जाता है उस गुफा के अंदर कभी भी रोशनी नहीं गई, इन्होंने हमेशा रोक कर रखा और रोशनी उधर से निकलती है और वो पड़ती है इस गोल्ड के पिरामिड के ऊपर और वहां से कुछ किरणें निकलकर एन सवा नूर तक जाती हैं और एन सवा नूर होश में आ जाता है 5500 साल बाद। सब लोग इसकी जयजयकार करने लग जाते हैं और एन सवा नूर वहां से निकलता है एक रेडिएशन ब्लास्ट करते हुए और उसका ब्लास्ट बर्लिन
पोलैंड हर तरफ जाता है और पोलैंड में जहाँ मैग्नीटो काम करता है वहां से उबलता हुआ मेटल एक व्यक्ति के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन मैग्नीटो उसको रोक लेता है। और जब मैग्नीटो ये सब करता है तो इसको कुछ लेबर लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर सुपर पावर है और ये शायद मैग्नीटो है। और इधर स्कूल में एक्सेवियर नोटिस करता है कि जेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिससे सारे बच्चे डर रहे हैं। और वो जेन के ब्रेन के अंदर झांकता है और एक्सेवियर को नजर आता है इस दुनिया का अंत। तो जेन प्रोफेसर को सॉरी बोलती है। तो एक्सेवियर हंग को लेकर आता है सेरेब्रो के अंदर और वो जो रात को झटके लगे थे उसकी छानबीन करने लगता है और उसे पता चलता है मोयरा के बारे में कि मोयरा ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की है, उसके पास अच्छी खासी फाइल है किसी सीक्रेट के बारे में। तो वो उससे मिलने का प्लान बनाता है और यहाँ मैग्नीटो को डर लग रहा है। वो कहता है अपनी बीवी को हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे लगता है मुझे लोग पहचान गए हैं। और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन इसकी बेटी को वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मैग्नीटो हो, चलो हमारे साथ, तुमने बहुत लोगों को मारा है 10 साल पहले। मैग्नीटो कहता है कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। ये लोग मैग्नीटो को अपने साथ ले जाने लगते हैं लेकिन इसकी बेटी मीना उसको बुरा लगता है और वो अपनी म्यूटेंट पावर से कुछ पंछियों को कंट्रोल करने लगती है और कहती है कि मेरे पिता को छोड़ दो। इसी बीच में एक पुलिस वाले के हाथ से एक एरो चल जाता है और वो एरो मीना और उसकी माँ के पेट में घुस जाता है और मैग्नीटो के हाथ में ये दोनों मर जाते हैं। उसके बाद मैग्नीटो अपनी बेटी का लॉकेट उठाता है और उससे इन सबकी गर्दन काट के इनको मार देता है और वो भगवान को बोलता है क्या तुम यही चाहते हो मुझसे, और बहुत दुखी होता है। और दूसरी तरफ उनसवा नूर वो मार्केट घूम रहा है और वो देखता है स्टॉर्म को। स्टॉर्म एक तूफान लाके चोरी करके भागती है, उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं, उस पर हमला करते हैं और तभी उनसवा नूर इन सबको मार देता है और स्टॉर्म से बातें करता है। उसके बाद मोयरा के पास आता है चार्ल्स एक्सेवियर, उससे थोड़ा सा हालचाल पूछता है और पूछता है कि आपने कायरो में ऐसा क्या स्पेशल देखा। तो मोयरा एक्सेवियर को बताती है कि वहाँ पर कुछ लोग इंसवा नूर के किस्से सुनाते हैं कि वो दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट था और उसने पिरामिड बनाए और अलग अलग सभ्यताओं में उसका जिक्र हमें देखने को मिलता है कि वो अपने 4 रक्षकों के साथ आता है और सारी की सारी सभ्यता को नष्ट कर देता है और पहले ही बहुत सारी सभ्यताओं को वो नष्ट कर चुका है और वो शायद अब आ चुका है आज की सभ्यता को नष्ट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है इंसवा नूर को स्टॉर्म अपने घर पर ले आती है और इंसवा नूर टीवी देखता है और सबको समझने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। और उसे पता चलता है कि सारे इंसानों ने अपनी अपनी सरहदें बांट ली है, सब एक दूसरे से लड़ते हैं और शांति का माहौल नहीं है। और वो फिर तय करता है कि अब इस दुनिया का अंत करके मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा और वो स्टॉर्म को ताकत दे देता है और अपना पहला रक्षक तैयार कर लेता है। और उधर में दिखाया जाता है कैलिबॉन वो म्यूटेंट्स को इधर से उधर भेजता है इलीगल तरीके से। उसके पास आती है रिवन, वो कर्ट के लिए इससे एक फेक पासवर्ड बनवाती है और तभी रिवन को कैलिबॉन खबर देता है कि तुम्हारा दोस्त मैग्नीटो उसके बीवी बच्चों को किसी ने मार दिया और मैग्नीटो ने उन सबको मार दिया। तो रिवन निकलती है चार्ल्स के पास आने के लिए और यहाँ हंक ने एलेक्स के लिए बनाया चश्मा जिसमें वो देख सकता है आंखें खोलकर और उसकी आंखों से जो लेजर निकलती है वो चश्मा ऑब्जर्व कर लेगा। और वो मिलता है जेन से और उससे बातें करता है, उससे दोस्ती कर लेता है और स्कूल में आ जाती है। रिवन कर्ट को लेकर हंक से बात करती है। उसके बाद कैलिबॉन के पास आता है उनसवा नूर और वो पूछता है कि मुझे कुछ म्यूटेंट्स की तलाश है जिनके पास बहुत सारी पावर्स हो, बताओ मुझे। लेकिन कैलिबॉन एक बंदूक उठाकर उनसवा नूर पर तान देता है और उनसवा नूर उसके बंदूक को हवा में ही गायब कर देता है। फिर वहाँ साइलोक कैलिबॉन को बचाने की कोशिश करती है और उनसवा नूर साइलोक की ताकत बढ़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैं म्यूटेंट्स का रक्षक हूँ और हम सब मिलकर इंसानों को खत्म करेंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। और यहाँ स्कूल के अंदर स्कॉट बोर हो रहा है, वो सबको कहता है कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं, मॉल घूमेंगे। और वो कर्ट को, जेन को और एक और लड़की होती है उसको अपने साथ लेकर घूमने निकल पड़ता है। और यहाँ एंजल दिखाया जाता है, एंजल के पास आता है उनसवा नूर और एंजल के पंखों को वो मेटल का बना देता है और उसको और ताकत दे देता है। हंक रिवन को अपनी लैब में लेकर आता है और दिखाता है कि ये रहा हमारे पास एक प्लेन और हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर भी है जिसकी वजह से पूरे स्कूल को बिजली मिलती है। लेकिन चार्ल्स ये सब नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोई हम पर हमला करे तो उसके लिए तैयार रहें। और उधर मैग्नीटो दिखाया जाता है, मैग्नीटो आता है अपनी फैक्ट्री के अंदर और वो इनको बोलता है कि तुम लोगों ने पुलिस वालों को बता दिया कि मैं मैग्नीटो हूँ और उन्होंने मेरे बीवी बच्चों को मार दिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये उनको मारने ही वाला होता है तभी वहां पर आता है उनसवा नूर और वो मैग्नीटो के सामने ही उन फैक्ट्री वालों को मार देता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। और वो उसी जगह लेकर आता है जहाँ पर मैग्नीटो के मदर को, फादर को मार दिया गया था बचपन में ही। और उनसवा नूर मैग्नीटो को बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट हूँ, एक तरह से तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मैग्नीटो कहता है कि जब मेरे माँ बाप को मारा गया, जब मेरे बीवी बच्चों को मारा गया, तब कहाँ थे तुम? तो उनसवा नूर कहता है कि तब मैं कैद में था, गहरी नींद में, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं छीन सकता। और वो मैग्नीटो को छूकर उसकी ताकत बढ़ाता है और उसे कहता है इस धरती के अंदर बहुत सारा मेटल है, तुम सब कुछ खींच सकते हो। और मैग्नीटो अपनी ताकत का नमूना वहीं से शुरू करता है और वो पूरी की पूरी जगह को, जितना भी उसके अंदर मेटल होता है, वो निकाल के दिखाता है
और हर तरफ तबाही का मंजर होता है। और वहीं हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि मैग्नीटो उसके बीवी बच्चों को किसी ने मार दिया है और मैग्नीटो ने बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया है। ये न्यूज पीटर सुनता है जो क्विक सिल्वर है। वो अपनी मदर से कहता है कि मुझे जाना होगा अपने फादर से बात करने के लिए। और यहाँ स्कूल में चार्ल्स मोयरा को लेकर आता है और तभी वो देखता है रिवन को और वो रिवन से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। रिवन चार्ल्स को बताती है कि मैग्नीटो के बीवी बच्चों को पुलिस वालों ने मार दिया और उन पुलिस वालों को मैग्नीटो ने मार दिया। अब मैग्नीटो बहुत गुस्सा है, वो सारे इंसानों को मार देगा तो हमें उसे समझाना पड़ेगा। तो वो लोग निकलते हैं, साइबर वो चलाते हैं और चार्ल्स मैग्नीटो से कॉन्टैक्ट करता है और उसको बोलता है कि मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि तुम्हारी बीवी बच्चों को किसी ने मार दिया, लेकिन अभी भी मौका है, हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैग्नीटो कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मेरे बीवी बच्चे मर चुके हैं, वो वापस नहीं आ सकते। और तभी इन दोनों को बातें करते हुए उन सवा नूर सुन लेता है और वो चार्ल्स के दिमाग में घुस जाता है और उसको दिखाता है बहुत सारी तबाही। और वो उसके दिमाग में घुस कर जितने भी लोगों ने न्यूक्लियर बनाया होता है सबके सब एक्टिवेट करवा देता है। सारे के सारे देशों के न्यूक्लियर बॉम्ब एक ही टाइम पर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आसमान में उड़ा दिए जाते हैं। और आसमान में जाने के बाद इसका प्लान होता है कि इस पूरी अर्थ को एक ही टाइम पर नष्ट कर देने का। और तभी चार्ल्स एलेक्स को कहता है कि यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दो, अगर मेरा दिमाग उन सवानूर के साथ जुड़ा रहा तो वो पूरी दुनिया को अभी खत्म कर देगा। उसके बाद एलेक्स यहाँ पर पूरा साइबर तोड़ देता है। तभी वहाँ पर आ जाता है उन सवानूर और वो मैग्नीटो को आदेश देता है कि चार्ल्स को अपने पास लाओ। और मैग्नीटो चार्ल्स को अपने साथ ले जाता है, लेकिन ले जाते एलेक्स रोकने की कोशिश करता है और वो अपनी छाती से लेजर निकालता है और जो लगता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जहाँ से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी वहाँ पर पहुँच जाता है क्विक सिल्वर और वो इतनी तेजी से ये जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें से लोगों को सरवाइव करता है, उनको बचाता है बहुत ही गजब स्टाइल से स्लो मोशन में। वो बच्चों को बचाता है, कुछ लड़कियों को बचाता है, टीचर को बचाता है, लड़का लड़की किस करते हैं उनको बचाता है, पर्दे खींच के एक जगह टांग देता है, कुत्ते को बचाता है, दो बच्चों को बचाता है और लगभग वो सभी को बचा लेता है, लेकिन वो एलेक्स को नहीं बचा पाता। उसके बाद वहाँ पर आता है स्कॉट और वो कहता है मेरा भाई एलेक्स कहाँ पर है। और तभी इन्हें पता चलता है कि इन्होंने एलेक्स को खो दिया क्योंकि वो धमाके के सबसे करीब था। उसके बाद जेन को पहली आवाज़ आने लगती है कि यहाँ पर कोई आने वाला है और वो स्कॉट और कर्ट को लेकर छुप जाती है। और वहीं पर आता है बड़ा हेलीकॉप्टर और कहता है कि ये हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे से करके पैनिक नहीं करते। और तभी वहाँ से निकलता है विलियम स्ट्राइकर और वो एक साउंड वेव निकाल के सारे म्यूटेंट्स को बेहोश कर देता है और वो कहता है कि इसको ले चलो, इसके लो चलो। कुछ कुछ लोगों को टारगेट करता है और इनके सिपाही उन सबको ले जाने लगते हैं। एक सिपाही जीन के पास भी आता है लेकिन जीन अपने ब्रेन से उसको मैनिपुलेट करती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद वो कर्ट की हेल्प से इन्हीं के पिंजरे में चले जाते हैं और वहाँ से निकल नहीं पाते और कर्ट इन सबको लेकर निकल पड़ता है यहाँ से और म्यूटेंट्स यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। उसके बाद जेन कहती है कि हमें अपने म्यूटेंट दोस्तों की रक्षा करनी है, उन्हें बचाना ही होगा। और विलियम स्ट्राइकर इन सारे म्यूटेंट्स को लेकर उसी फैसिलिटी में आता है जहाँ पर वेपन एक्स भी है। और उधर हमें दिखाया जाता है उन सवा नूर और वो कहता है चार्ल्स को कि देखो तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं, तुम पूरी दुनिया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मेरे साथ आ जाओ, हम लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे और पूरी दुनिया खत्म कर देंगे। तो चार्ल्स मैग्नीटो को बोलता है कि क्या तुम भी इस दुनिया को खत्म करना चाहते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे मर गए तो क्या तुम पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे। और उधर विलियम स्ट्राइकर ने सारे म्यूटेंट्स को पकड़ रखा होता है और वो उनको धमकी देता है। उसके बाद उन सवा नूर चार्ल्स के दिमाग से कॉन्टैक्ट करके पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजता है, इस दुनिया के देशवासियों, मैं उन सवा नूर इस पूरी दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया बनाऊंगा जहां पर तुम जैसे लालची घमंडी जिनके अंदर दया नहीं है, जो हमेशा लड़ते रहते हैं, तुम सबको खत्म कर दूंगा। इसी बीच में चार्ल्स जेन को एक मैसेज देता है कि मैं कायरो में हूँ, इजिप्ट में, आकर मुझे ढूंढो। और इधर उन सवा नूर सबको धमकी दे रहा होता है। इसी बीच में चार्ल्स अपनी एक लाइन जोड़ देता है कि इस दुनिया का अंत हो रहा है लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो मदद करें कमजोरों की। उसका जेन कहती है कि हमें प्रोफेसर को बचाना ही होगा, मुझे उन्होंने अपना एड्रेस दिया कि वो वहाँ पर हैं। और वो छुपते छुपाते इधर उधर जाते हैं और जेन को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ खास है और वो एक फैसिलिटी का दरवाजा खोलती है और वहाँ से निकलता है हमारा लोगन वेपन एक्स जिसकी याददाश्त जा चुकी है। सिक्योरिटी इस पर हमला करती है लेकिन लोगन सबको चीरता हुआ यहाँ से निकलने लग जाता है और विलियम स्ट्राइकर जब ये देखता है उसके तोते उड़ जाते हैं और वो डर के दोस्तों को छुपने लगता है। उसका जेन आती है लोगन के पास, उसके दिमाग पर जो हथियार लगे होते हैं उसको हटाती है और उसके दिमाग को छूकर उसकी कुछ यादें उसको दे देती है। उसके बाद लोगन यहाँ से निकल कर चला जाता है। और उधर कर्ट सब लोगों को बोलता है कि थोड़ा साइड में हो जाओ और दूसरी तरफ से स्कॉट एक दीवार तोड़कर इन सबको बचा लेता है और सब लोग निकल पड़ते हैं चार्ल्स को बचाने के लिए। और यहाँ पर उन सवा नूर जितना भी मेटल है वहाँ से इकट्ठा करके एक मेटल का पिरामिड बनाता है। रिवन और हंक आते हैं विलियम स्ट्राइकर के अड्डे पर और वहाँ से वो फाइटर जेट लेते हैं और एक और कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं। और उन सवा नूर यहाँ पर रिवील करता है कि देखो मैं चार्ल्स की बॉडी और उसका ब्रेन ले लेता हूँ जिससे पूरी दुनिया को मैं एक ही पल में खत्म कर सकता हूँ।
हूँ और मैग्नेटो तुम जाओ, इस अर्थ का जितना भी मेटल है सब निकाल लो। उसका मैग्नेटो निकलता है, एक जगह पर जाता है, वो दुनिया का जितना भी मेटल है सब इधर से उधर हिलाने लगता है, जिसके वजह से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इधर उधर होने लगता है। और साइंटिस्ट कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थ अपने पाथ से भटक जाएगी। और यहाँ पर मैग्नेटो पूरी दुनिया का जो मेटल है उसको निकालता रहता है और उन सवानूर चार्ल्स को वैसे ही लेटा देता है उसकी बॉडी लेने के लिए, और चारों रक्षक तैनात हो जाते हैं उन सवानूर को बचाने के लिए। और वहीं पर पहुंच जाते हैं हमारे एक्समैन्स। रिवन कहती है मैं जा रही हूँ मैग्नेटो के पास क्योंकि सिल्वर को लेकर, तुम लोग नीचे जाकर चार्ल्स को देखो, उसको ढूंढो। जेन, स्कॉट, कर्ट वो नीचे आते हैं, चार्ल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिवन और क्विकसिल्वर आते हैं मैग्नेटो से बात करने के लिए। और यहाँ पर बॉडी एक्सचेंज करने का प्रोसेस उन सवानूर स्टार्ट करने वाला होता है और वो जो गोल्ड का पिरामिड होता है वो ऊपर लगा देता है। और इधर म्यूटेंट्स की लड़ाई होने लगती है। स्टॉर्म जेन पर हमला करती है तो जेन स्टॉर्म पर एक गाड़ी फेंकती है और गाड़ी को काटती हुई साइलोक आती है बड़े गजब स्टाइल से। उसके बाद ये दोनों मिलकर इन म्यूटेंट्स पर हमला करते हैं और कर्ट पिरामिड के अंदर घुसकर चार्ल्स को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उस पर हमला करता है एंजल और इन दोनों की लड़ाई होती है। और जब मैग्नेटो से रिवन बात करने की कोशिश करती है और उसको समझाती है कि देखो हम एक परिवार हैं, वो उन सवानूर सबको मार देगा, हमारे म्यूटेंट्स भाइयों को भी, तो होश में आओ। मैग्नेटो कहता है मेरा परिवार अब तबाह हो चुका है, अब मेरा कोई परिवार नहीं है। उधर साइक्लोप अपनी आंखों से लेजर निकाल कर सबको तबाह करता है। उधर हंक पर साइलोक हमला करती है और इधर प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, वो चार्ल्स की बॉडी लेने लगता है। और तभी कर्ट एंजल को एक जगह पर फंसा कर चार्ल्स को लेकर जहाज के अंदर आ जाता है। और उधर हंक पर साइलोक हमला करती है और कर्ट हंक को लेकर जहाज के अंदर ले आता है। और उधर उन सवानूर को पता चलता है कि चार्ल्स को यहाँ से हटा दिया गया है, ये सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एंजल उड़ता हुआ साइलोक को पकड़ता है, साइलोक उनके जहाज पर चढ़कर ऊपर से इनका जहाज ही काट देती है जिससे इनका जहाज अनबैलेंस हो जाता है और कर्ट इन सबको नीचे उतार देता है। और साइलोक उस जहाज से नीचे गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। उधर रिवन मैग्नेटो को समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मैं अपने परिवार के लिए लड़ती रहूंगी। उसके बाद मैग्नेटो को याद आता है कि चार्ल्स मेरा परिवार है, उसने मेरी कितनी मदद करी, मुझे एक भाई की तरह प्यार दिया, ये सारी बातें वो याद करने लग जाता है। और उन सवानूर सबको धमकी देता है और तभी उस पर पीटर हमला करता है यानी क्विकसिल्वर, और उन सवानूर उसको पकड़ लेता है, उसको मारने वाला होता है। मैग्नेटो भी ये चीज देखता है और तभी उसके सामने साइलोक आती है। उन सवानूर पीटर को पकड़ लेता है और कहता है कि इसको काट दो, और साइलोक उठाती है हथियार और वो काटती है उन सवानूर की गर्दन, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। उन सवानूर इसकी गर्दन पकड़ता है और हमें पता चलता है कि ये तो मिस्टेक है। और जब ये बात स्टॉर्म को पता चलती है, स्टॉर्म को बड़ा दुख होता है, मैग्नेटो भी बहुत दुखी होता है, हंक और चार्ल्स दोनों दुखी होते हैं। चार्ल्स कहता है उसे छोड़ दो, तभी चार्ल्स उन सवानूर के दिमाग में चला जाता है और उससे दिमाग में ही लड़ाई करता है। इन दोनों का बैटल चलता है उसके दिमाग के अंदर ही, जहां पर उन सवानूर चार्ल्स पर भारी पड़ता है। और रियल टाइम में भी मतलब दिमाग के बाहर उन सवानूर म्यूटेंट्स पर हमला करता है, उनको मारने की कोशिश करता है और चार्ल्स की तरफ बढ़ता है। तभी वहां पर मैग्नेटो भी एक्समैन्स की ओर से लड़ता है उन सवानूर के खिलाफ। उन सवानूर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैग्नेटो कहता है धोखा मैंने तुम्हें नहीं, मैंने अपने परिवार को दिया है। और वो बहुत सारा मेटल उठाकर उन सवानूर पर हमला करता है। उन सवानूर इस सारे हमले से बचता है और तभी स्कॉट अपनी लेजर से उस पर हमला करता है। स्टॉर्म ये सब देखती है, हंक पीटर को बचाता है। उधर दिमाग में चार्ल्स पर उन सवानूर हमला करता रहता है और चार्ल्स बहुत कमजोर पड़ जाता है। चार्ल्स मदद के लिए जेन को बुलाता है कि जेन मेरे दिमाग में घुसो, मैं अकेला इससे नहीं लड़ सकता। तो जेन चार्ल्स के दिमाग में घुसते हुए उन सवानूर से कनेक्ट हो जाती है और उन सवानूर पर हमला कर देती है अपनी फ्यूनिक्स पावर दिखाकर, जिसके सामने उन सवानूर हारने लगता है। और तभी उस पर स्कॉट हमला करता है, मैग्नेटो हमला करता है, जेन तो अपनी फ्यूनिक्स पावर से हमला करते ही है। इसी बीच में स्टॉर्म भी हमला करती है और उन सवानूर को ये सारे मिलकर मार देते हैं। और शाइलो का जब होश आता है वो पतली गली पकड़ के निकल लेती है। उसके बाद ये सब लोग एक साथ मिलते हैं और चार्ल्स मायरा को उसकी सारी यादें दे देता है और मायरा को चार्ल्स की सारी बातें याद आ जाती है। और हमें दिखाई जाती है पूरी दुनिया में तबाही, जगह जगह पर जो मेटल है वो कैसे डिस्टर्ब हो चुका है, सारी मशीनें रद्द कर दी गई हैं। और सरकारों को पता चलता है कि वो उन सवानूर पहला म्यूटेंट था, वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता था, लेकिन हमारे जो म्यूटेंट्स हैं एक्सेवियर के जो म्यूटेंट्स हैं उन सब ने उन सवानूर को हराया और उसको हराने में मैग्नेटो ने भी साथ दिया। उसके बाद जेन और मैग्नेटो मिलकर चार्ल्स एक्सेवियर का स्कूल दोबारा से बनाते हैं अपनी पावर से। क्विकसिल्वर कहता है स्टॉर्म को कि हमें भी यहीं पर रुक जाना चाहिए। उसका स्कूल फिर से बन जाता है और चार्ल्स मैग्नेटो को बोलता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाते। मैग्नेटो कहता है कि देखो यार मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किए हैं। उसके बाद हमें रिवन दिखाई जाते हैं। रिवन एक्समैन की एक नई टीम बनाती है जिसमें साइक्लोप यानी कि स्कॉट
क्योंकि सिल्वर स्टॉर्म जेन और वो खुद होती है और वो इन सबको तैयार करती है कि हमें आने वाले खतरे से अपने आप को बचाने के लिए लड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी और वो सेंटिनल से लड़ने की कोशिश करते हैं एक फैसिलिटी के अंदर और चार्ल्स इन सबको देखता है और हमें भी और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। फिर हमें दिखाया था एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पर वेपन एक्स का जो ब्लड है वो रखा हुआ था और उसे एक बंदे ने उठा के कोल्ड स्टोरेज में रख लिया और ये ब्लड यूज होगा लोगन मूवी के अंदर जहाँ पर म्यूरल्स के डीएनए का यूज करके उनके ब्लड सैंपल का यूज करके कैनेडियन लड़कियों को औरतों को प्रेग्नेंट करके म्यूटेंट्स तैयार किए जाएंगे। इस मूवी के बाद मैं लोगन मूवी पर ही वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।